सच के साथ एक कदम। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर वाल्मीकि समाज के द्वारा वाल्मीकि धर्म संसद समारोह का आयोजन किया गया। इस धर्म संसद का मुख्य उद्देश्य वाल्मीकि समाज सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाना। इस समारोह में धर्म संसद से जुड़े वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। धर्म संसद ने वाल्मीकि समाज उत्थान के एजेंडे को प्रस्तुत किया। इस एजेंडे में वाल्मीकि समाज के लिए अलग से आरक्षण की मांग भी सम्मिलित है। देखते हैं संवाददाता अरविंद सागर के साथ कैमरामैन पलक सागर की रिपोर्ट। हमारी जो भगवान वाल्मीकि महाराज के द्वारा रची हुई संस्कृति है, उसमें सर्वप्रथम कोई भी किसी के द्वार पर पहुंचता है तो उसका आतिथ्य सत्कार किया जाता है। और आतिथ्य सत्कार में आप सब यहाँ पर जो पहुँचे हैं, तो आतिथ्य सत्कार की जो कड़ी चल रही है उसमें वैसे तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, परंतु कोई नाम व्यक्ति विशेष दूर दराज से आए हैं तो यहाँ पर अपनी जानकारी में जरूर नाम दर्ज कराएं। तो इस कार्यक्रम में आगे मंच संचालन किया जाएगा और इससे पूर्व जो दीप ज्योति जागृत कर भगवान वाल्मीकि महाराज का जो हमने पवित्र ज्योत जगाई यहाँ दिल्ली के ऐतिहासिक स्थान पर, तो हमारा उद्देश्य यही है जैसे दीप ज्योति बहुत उज्जवल होती है वैसे ही हमारे विचार पवित्र उज्जवल हैं। हम अपनी बात को सिर्फ इस प्रकार का दीपक सरकार को दिखाना चाहते हैं कि जहाँ पर कोई न्यूनता है, जहाँ पर कोई किसी बात की कमी है, तो वो सरकार का उद्देश्य बनता है उसको सुने, उसको पूरा करे। डॉक्टर जसपाल वो कृपा करके अपना स्वागत करवाए वीर विक्रम जी चंडालिया, ममता मिश्रा जी ग्वालियर से पहुंचे हैं, उनका हम जहां पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। राजस्थान से कृष्ण वाल्मीकि जी वो भी आए और अपना स्वागत करवाएं। ग्वालियर से हमारी बहन राम किशोर दीवान जी गाजियाबाद से कृपा करके स्वागत पे आए। राम किशोर दीवान जी जितेंद्र जी कंडारे इंदौर से वो भी आए और स्वागत करवाए। दीपेश जेतिया जी वो भी मंच पर आए जयपुर से। और इसी कड़ी में जितेंद्र सिंह कंडारे विश्व की रचयिता और इस विश्व वाल्मीकि धर्म संसद के प्रेरणा स्रोत भगवान वाल्मीकि जी की कृपा पात्र सभी संत भगवान का जयकारा बोलिए भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। बहुत बहुत चलिए आराम से चलिए चलिए। वाल्मीकि धर्म की जय। विश्व वाल्मीकि धर्म संसद महाराज की जय। दूर दृढ़ तो आए हुए महापुरुष की जय। आज विश्व वाल्मीकि धर्म संसद के आयोजन पर आज के इस विश्व वाल्मीकि संसद की अध्यक्षता कर रहे बाल योगी संगमराज जी महाराज, आज के इस विश्व वाल्मीकि धर्म संसद के आयोजक श्री अशोक कुमार जी अज्ञानी और स्टेज पर
संत महंत महापुरुष सभागार में उपस्थित वाल्मीकि समाज व अन्य समाज के अगुआ युवा शक्ति बहनों, मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज देश के दलित समाज के सोपान में सबसे मोस्ट निगलेक्टेड, सबसे ज़्यादा जिनकी उपेक्षा की गई, जिन्हें उन्हें सम्मान नहीं मिला, स्वाभिमान का जीवन नहीं मिला, आज वो अपने सम्मान स्वाभिमान के जीवन के लिए अपने समाज की पहचान को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान के अंतर्गत उसकी मान्यता हेतु यहाँ जमा हुए हैं और मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, इसके लिए मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ। मैं बड़ी शुक्रिया अदा करता हूँ, कृतज्ञता का ज्ञापित करता हूँ महाराज जी का और हमारे अशोक कुमार जी का। मैं भारत के संविधान की व्यवस्था पर अटूट विश्वास रखता हूँ। भारत के संविधान को जो हम पढ़ते हैं तो उसमें जाति को, विविधता को मान्यता दी गई है। अब विविधता होती क्या है? भिन्न भिन्न समाजों की अपनी मान्यता, अपनी आस्थाएं, अपने महापुरुषों के प्रति। धनबाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।